नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों छोटी यूट्यूबर हूँ, आपकी ऐप सब्सक्राइब मेरे लिए मायने रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। दोस्तों न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर असिस्टेंट ग्रेड वन का रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसमें असिस्टेंट ग्रेड वन HR 29 पोस्ट, असिस्टेंट ग्रेड वन F&A 17 पोस्ट, असिस्टेंट ग्रेड वन C&MM 12 पोस्ट, टोटल कुल मिलाकर 58 पोस्ट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर NPCIL HQH HRM 2024-03। दोस्तों सैलरी मिलेगा आप लोगों को लेवल 4 का, जो 25,500 से लेकर 81,100 का जो पे स्केल है वो मिलेगा। कुल मिलाकर ग्रोस आपको जो सैलरी मिलेगा वो 38,250 रुपये मिलेगा इन हैंड। क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं विद 50% मार्क के साथ, जिन्होंने पास किया है ग्रेजुएशन वो अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट दोस्तों 21 से लेकर 28 ईयर जनरली वर्क कैटेगरी के लिए। एज रिलैक्सेशन मैं आप लोगों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताने वाला हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। RO में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मोटे तौर पर डिटेल्स मैं पहले दे लेता हूँ, ठीक है, दे देता हूँ। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, जॉब लोकेशन मुंबई। सिलेक्शन प्रोसेस प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। अप्लाई मोड ऑनलाइन, स्टार्टिंग डेट 5 जून 2024 से अप्लाई स्टार्ट हो गया है, लास्ट डेट 25 जून 2024। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC EWS पुरुष कैंडिडेट के लिए 100 रुपया, महिला एंड बाकी जितना भी रिजर्व कास्ट है उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ऑफिशियल साइट www.npcil.nic.in। आइए दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि हिंदी में भी पब्लिश हुआ है, इंग्लिश में भी पब्लिश हुआ है। मुझे संस्कृत हिंदी पढ़ने में दिक्कत होता है, इसलिए मैं इंग्लिश वाला पार्ट से आप लोगों को डिटेल्स बताने वाला हूँ, ठीक है। आप लोग हिंदी वाला पार्ट से भी देख लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगा। देखिए नोटिफिकेशन खुल गया है, फिर शुरुआत में दोस्तों एडवर्टाइजमेंट नंबर और अप्लाई का डेट दिया हुआ है 5 जून से लेकर 25 जून, 25 जून की शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं, ग्रेड वन HR के लिए जो कि ह्यूमन रिसोर्स, करंट वैकेंसी, यहाँ पर बैकलॉग वैकेंसी नहीं है, एक भी बैकलॉग वैकेंसी नहीं है, सभी करंट वैकेंसी है, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं जो फिजिकल हैंडीकैप, कौन कौन फिजिकल हैंडीकैप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। द पोस्ट फॉर द PWD आर एज अंडर गोश असिस्टेंट ग्रेड HR के लिए कौन कौन PWD कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो आप लोग देख लीजिएगा। मैं वीडियो को ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लीजिएगा। दोस्तों ब्लाइंडनेस डिफेंड हियरिंग दिया हुआ है, ब्लाइंडनेस कौन कौन किस किस पोस्ट में कौन सा हैंडीकैप अप्लाई कर सकते हैं देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट डेट्स है देख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपया, मैंने शुरुआत में बोला था, महिला SC ST PWD एक्स सर्विसमैन डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, जो ड्यूटी करते हुए जो डिफेंस पर्सनल शहीद हो गए हैं उनकी फैमिली से कोई है तो उनको एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। एंड एम्प्लॉइज ऑफ NPCIL, जो लोग NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में जो लोग नौकरी करते हैं उनको एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों क्वालिफिकेशन एनी बैचलर डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क, ठीक है। क्वालिफिकेशन आप लोग देख चुके हैं। यह आपका सैलरी जो मैंने पहले आपको बताया था, देखिए लेवल 4 का 25,500 लेके स्केल शुरू होगा। DMVA मिला के आपको कितना मिलेगा, 12,750 रुपया, कुल मिलाकर कितना होता है 38,250 रुपया, ठीक है। और क्या क्या अलाउंसेस मिलेगा आप यहाँ से देख सकते हैं, ये थोड़ा वीडियो को मैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ कर रहे हो, आप लोग ये अलाउंसेस देख लीजिएगा, ठीक है। आपकी सैलरी के साथ जो अलाउंस आपको मिलेगा, एज लिमिट एंड रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट देख सकते हैं, 21 से लेकर 28 ईयर, 25 जून 2024 के अनुसार सबकी सभी कैटेगरी ग्रेड वन के लिए, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD UR को 10 साल, PWD EWS कैंडिडेट को 10 साल, PWD SC ST 15 साल, PWD OBC NCL 13 साल, ठीक है। डिपेंडेंट ऑफ दोज डाइड इन रायट, जो लोग ऐसा कोई फैमिली जिन्होंने 1984 की रायट्स में इफेक्टेड हुए हो उनकी फैमिली से कोई है तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। जो लोग ड्यूटी करते हुए मारे गए डिफेंस पर्सनल उनकी फैमिली से 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा।
एक्स सर्विसमैन, ठीक है, उनको एक्स सर्विसमैन 3 साल मिलेगा। विडोज डिवोर्स, जिनको विधवा हो गए हो, डिवोर्स हो गए हैं हस्बैंड साथ लीगली, ठीक है, जुडिशियरी सेपरेट हो गए हो, उन लोगों के लिए 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट महिलाओं के लिए, ठीक है। और उसके बाद विडो वोमेन जुडिशियरी सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड हु आर नॉट रिमेरिड, जो लोग सेपरेट हो चुके हो लेकिन दोबारा से और शादी नहीं किया, ठीक है, उनके लिए अप टू 40 साल, वो भी एस सी एस टी होने से, ठीक है। एडिशनल रिलैक्सेशन पे स्केप द एक्सपीरियंस एन पी सी एल कॉन्ट्रैक्ट एंड फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट बेसिस सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 5 ईयर विल बी गिवन। अगर एन पी सी एल में कोई ऑन कॉन्ट्रैक्ट फिक्स टर्म बेसिस नौकरी कर रहे हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी और भी थोड़ा प्रावधान है एज रिलैक्सेशन का, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आप जैसे पोस्टिंग देख सकते हैं मुंबई होगा, ठीक है, एन पी सी एल हेड क्वार्टर, मुंबई का जो एन पी सी एल का हेड क्वार्टर है वहाँ पर आपका पोस्टिंग होने वाला है, ठीक है। दे आर लाइबल टू सर्व इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एंड ट्रांसफर टू द अदर यूनिट। अगर आपको मुंबई पे नहीं ऑल इंडिया में कहीं पे भी जॉब करना हो सकता है अगर आपको ट्रांसफ़र किया जाए तो। सिलेक्शन प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर एफएस सबके लिए, रिटन एग्जाम होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा ऑन पीसी, ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। दूसरा भाग में द रिटन एग्जामिनेशन विल बी इनटू 2 स्टेज, स्टेज 1 प्रिलिमिनरी टेस्ट एंड स्टेज 2 एडवांस टेस्ट, ठीक है, ये जो पहले वाला रिटन एग्जाम बताया था उसके बाद टाइप टेस्ट। देखिए रिटन एग्जाम जो पार्ट 1 है दोस्तों, जिनको शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा ये प्रिलिमिनरी जो टेस्ट है, आपको पहले शॉर्टलिस्टिंग करेगा आपके मार्क्स के ऊपर बेसिस करके, ठीक है, बेसिस करके उसको आपको एग्जाम के लिए बुलाएगा, जो कि एग्जाम का जो क्वेश्चन स्टैंडर्ड होगा, क्वेश्चन विल बी ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में किया जाएगा। क्या होगा यहाँ पर 50 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से 25 एमसीक्यू, कंप्यूटर नॉलेज से 15 एमसीक्यू, इंग्लिश से 10 एमसीक्यू, टोटल 50 मार्क, ठीक है। द टेस्ट विल बी 1 आवर ड्यूरेशन फॉर ए मैक्सिमम 150 मार्क्स, यानी 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी एक सही जवाब के लिए 3 मार्क करके, ठीक है, 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, अगर आप गलत जवाब देते हो तो आपका 1 मार्क काटा जाएगा। सो इसे हम इसके आंसर कीजिएगा, एक जॉब के लिए 1 मार्क काटा जाएगा। देयर विल बी कंडक्टेड सिंगल मल्टीपल सेशन डिपेंडिंग अपन लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट। 6 क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, द क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड विल फॉलोज, जनरली वर्क कैटेगरी को 40% पाना होगा, 40% यानी 150 में से 60 आपको पाना होगा। एस सी एस टी ओ बी सी एन सी एल ई डब्ल्यू एस पी डब्ल्यू डी का 30%, यानी आपको 45 मार्क्स आपको पाना होगा, अगर मिनिमम 5 मार्क्स चाहिए अगर आपको पास होना है तो, ठीक है। स्टेज 2 यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप स्टेज 1 पास हो जाते हो तो आपको स्टेज 2 में बोला जाएगा, अगर आप फेल हो जाते हो तो स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा, यानी आपको स्टेज 2 से आप अटेंड नहीं कर पाएंगे। स्टेज 2 में क्या होगा दोस्तों, ऑल कैंडिडेट अपेयरिंग इन स्टेज 1 विल अंडरटेक द स्टेज 2 एडवांटेज टेस्ट, द टेस्ट विल बी 2 आवर ड्यूरेशन फॉर ए मैक्सिमम 150 मार्क्स। दोस्तों स्टेज 2 भी 150 मार्क्स का होने वाला है, यहाँ पर भी 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा फ्रॉम द फॉलोइंग सिलेबस, यहाँ पर सिलेबस है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी मैथमेटिक्स आएगा, मैथमेटिक्स से 25 एमसीक्यू, उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग, थोड़ा टफ होगा, ठीक है, थोड़ा टफ रीजनिंग आप लोगों को दिया जाएगा, इसलिए ध्यान से करिएगा। 25 क्वेश्चन यहाँ पर आएगा रीजनिंग और मैथमेटिक्स से, 50 एमसीक्यू, 150 मार्क मिलेगा, यहाँ पर भी एक गलत जवाब के लिए 1 मार्क काटा जाएगा, सही समझ के दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क जो 5 मार्क है वो थोड़ा कम है, जनरली वर्क को 30% पाने से ही होगा, यानी 150 में से 45 मार्क, और एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस को 20%, यानी 150 में से आपको पाना होगा 30 मार्क, ठीक है, 30 पाने से आप यहाँ पर पास हो जाओगे। अगर आप दोस्तों स्टेज 2 पास हो जाते हो, स्टेज 1 और स्टेज 2 पास हो तो आपका नंबर आएगा अभी स्टेज 3 का। ए मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड अ कैंडिडेट स्टेज 2 बेस अपन द स्कोर ऑब्टेन इन द स्टेज 2 कैटेगरी, ऐसे फिर से आपका स्टेज 2 में जो मार्क्स मिले उसके आधार पर फिर से एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, आप लोगों को बाद में नेक्स्ट स्टेज 3 के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। स्टेज को दोस्तों यहाँ पर जो स्टेज 2 में जो जिसको हाईएस्ट मार्क मिलेगा उसको ही मेरिट लिस्ट के ऊपर में रखा जाएगा, ऐसा करके मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट हायर मार्क इन स्टेज 1 विल बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट,
ठीक है, जिसको कैंडिडेट जिसको स्टेज वन में हाईएस्ट मार्क मिलेगा उनको भी मेरिट लिस्ट की ऊपर में रखा जाएगा। आप लोग याद रखिएगा, उसी से जिसको ज़्यादा मार्क मिलेगा मार्क के अनुसार आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। बस उसके बाद दोस्तों स्टेज थ्री स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट क्या होगा? टाइप टेस्ट होगा ऑन पर्सनल कंप्यूटर पीसी बिलो, एंड उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ऑन पर्सनल कंप्यूटर एज पर द बिलो। आप ऐसे देख सकते हैं क्या क्या टेस्ट आप लोगों का लिया जाएगा। मुझे कंप्यूटर में नॉलेज थोड़ा कम है, आप लोग देख लीजिए। कैंडिडेट विल बी इशूड विद द प्रिंटेड पेसेज, आपको एक प्रिंटेड पेसेज दे दिया जाएगा जो कि कंप्यूटर से ऑलरेडी प्रिंट कर लेगा, आपके हाथ में पकड़ा देगा। कंटेनिंग मिनिमम 300 वर्ड इन इंग्लिश, जो कि 300 वर्ड का एक पेसेज आपके हाथ में दे दिया जाएगा। दोस्त इंटरेस्टेड टू टेक हिंदी टाइपिंग टेस्ट विल बी ऑल्सो गिवन ए पेसेज ऑफ 300 इन हिंदी। अगर कोई हिंदी में भी चाहिए, अगर किसी को हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जिनको आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, आपको इंग्लिश ही टाइप करना होगा, हिंदी भी आपको दिया जाएगा। ऐसे देख सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 10 मिनट, 10 मिनट आपको दिया जाएगा, 10 मिनट आपको दिया जाएगा टाइप करने के लिए। टाइप पेसेज विल बी गिवन ऑन द कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर का जो क्या होगा ऑन द कंप्यूटर ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर विद इन 10 मिनट्स एट द रेट ऑफ 30 वर्ड पर मिनट आप लोगों को टाइप करना होगा। 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना होगा इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी, दोनों ही 30 वर्ड टाइप करना होगा। ठीक है, द कैंडिडेट विल बी गिवन द एडिशनल टाइम इन द कॉन्टेक्स्ट 5 मिनट फॉर्मेट टाइप पेसेस सेम वे सेपरेट हैंड आउट एंड द प्रिंट आउट पेसेस फॉलोइंग फॉर्मेशन फीचर विल बी टेस्टेड। आपको आप लोगों को 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा पूरा पेसेस को अच्छी तरह से टाइप करके प्रिंट आउट करने के लिए, हैंड आउट करने के लिए पेसेस को, ठीक है, फॉर्मेट अनुसार टेस्ट करने के लिए। आप लोग ऐसे देख सकते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। इंटेंडिंग ऑफ द पैराग्राफ्स, आपको पैराग्राफ्स रेडी करना होगा। सिलेक्ट टेक्स्ट इन बोल्ड, कुछ कुछ सिलेक्शन को बड़े अक्षर में भी करना होगा, अंडरलाइन करना होगा। ये सब करने के लिए आप लोगों को 5 मिनट टाइम दिया जाएगा। यूजिंग डिफरेंट फॉन्ट्स, आप अलग से डिफरेंट फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का आप लोगों को दिया जाएगा। दोस्तों यही था आप लोगों के लिए मोटे तौर पर डिटेल्स। अप्लाई का लास्ट डेट 25 जून 2024, जिनको भी अप्लाई करना है कर लीजिएगा। वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को वेरिफिकेशन में चाहिए होगा, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो आप लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, देखिए क्या क्या चाहिए होगा, आप लोग ऐसे देख सकते। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, आप लोग ऐसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके भी अप्लाई कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन लिंक आप लोगों के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल, आप लोग जाके पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन लिंक और ऑनलाइन अप्लाई के लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों के लिए मैंने दे दिया। आप लोग जाके लिंक पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो और ये नोटिफिकेशन लिंक के ओपन करके पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। जय हिंद, जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।